चलिए अब आते हैं एग्जांपल नंबर 17 पे। इसमें क्या रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन है ये। एंड वो पॉइंट्स निकालिए जहाँ पे टेंजेंट्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो। मतलब समझिए, आपको पॉइंट्स निकालना है, मतलब कोऑर्डिनेट निकालना है किसी पार्टिकुलर पॉइंट का ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब जब इस कर्व पे हम टेंजेंट खींचे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, वहाँ का आपको क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। फिर अगर पैरेलल टू द वाई एक्सिस है तो वहाँ का पॉइंट निकालना है। आप सोचो कि क्या करोगे। सबसे पहले मेथड वन तो आप देख रहे हो कि ये एक इलिप्स है। अगर आप इलिप्स पढ़े हुए हो तो आप क्लास 11th में, तो डायरेक्ट आप इस इलिप्स को बना सकते हो। एक्स वाला इंटरसेप्ट 2 है और वाई वाला इंटरसेप्ट क्या है, 5 है। तो वाई वाला पे ज़्यादा होगा, मतलब वर्टिकल इलिप्स होगा, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स नहीं होगा। और ये पॉइंट का नाम होगा 2,0 और इस पॉइंट का नाम होगा -2,0। ये होगा 5 यानी 0,5 और ये हो गया आपका 0-5। ये कर्व बना लिए हम लोग। अब पूछा था कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये है हमारा। अब टेंजेंट बताओ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ है एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट, एक यहाँ है, तो वो दो पॉइंट पूछ रहा था। तो पहला का तो आंसर आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो कि 0,5 और 0,-5। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था कि पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट कौन होगा, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे है ना, यहाँ से आप खींच दो, यहाँ पे खींच दो टेंजेंट। तो अब ये पॉइंट का नाम क्या है, 2,0 और इस पॉइंट का नाम है -2,0। तो ये भी आंसर हो गया हमारा ऐसे ही। लेकिन आपको मैथमेटिकली अगर कैलकुलस से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे। ये तो मेथड वन हो गया ऑब्जर्वेशन से। लेकिन हमेशा तो आपको कर्व जो है एलिप्स के जैसा तो नहीं दिया रहेगा, ये कर्व कुछ भी हो सकता है। तो कर्व जब कुछ भी हो सकता है, तो कर्व कुछ भी होगा, तो ऐसे हो गया मान लीजिए कर्व, और एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको ये लाइन हुआ, ये एक्स एक्सिस है अगर मान लीजिए ये हुआ, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस दिमाग में क्या रखना है कि यहाँ का dy by dx अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब इसका स्लोप है 0, मतलब कि dy by dx निकाल के उसको 0 से इक्वेट कर दो, तो वो वही वाला पॉइंट देगा जहाँ पे एक्स एक्सिस से पैरेलल टेंजेंट मिल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले dy by dx तो निकाल लो। तो कर्व क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट करो, 2x बाई 4 होगा प्लस ये हो जाएगा 2y बाई 25 और y का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि y स्क्वायर का 2y हुआ, तो y का तो करोगे ना, तो dy बाई dx और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, तो एक तो कट गया आपका 2 बार में। तो अब हम यहाँ से पूछे कि 2y बाई 25 इंटू dy बाई dx कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका माइनस का x बाई 2, है ना, माइनस का x बाई 2 बिल्कुल। अब dy बाई dx क्या होगा, तो dy बाई dx हो जाएगा 25 को ऊपर भेजोगे और 2 को नीचे, तो -25x डिवाइडेड बाई 4। अब इस कर्व का डिफ्रेंशिएशन आ चुका है, dy बाई dx आ चुका है। अब जहाँ का आपको जैसा स्लोप चाहिए वैसा पॉइंट आप निकाल लो। तो आपको कैसा स्लोप चाहिए, तो आपको पहला क्वेश्चन में बोला है कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब हमको वो टेंजेंट चाहिए जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ टेंजेंट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, then dy by dx must be equal to 0।
क्योंकि एक्स एक्सिस के जो पैरेलल टेंजेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो आप इसको जीरो कर लो, मतलब -25 बाई एक्स, और एक्चुअली ये वाई भी नीचे जाएगा ना, बाई 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब कोई भी फंक्शन जीरो कब होता है, जब डिनोमिनेटर जीरो होता है कि जब डिनोमिनेटर जीरो न्यूमरेटर जीरो होता है तब कि डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर, इसका मतलब -25x इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो हमको पॉइंट अगर चाहिए तो x का वैल्यू जब जीरो हम कर्व में डालेंगे तो वो ऐसा ही y देगा जहाँ पे x जीरो हुआ होगा, तो आप पुट कर लो, तो पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो इन कर्व, तो अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे तो ये 0/4 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1, तो ये तो जीरो हो गया, तो y² = 25, तो y इज इक्वल टू आया +-5, दो वैल्यू आया, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो y इज इक्वल टू 5 भी ले सकते हैं, या x इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो y का वैल्यू हम -5 भी ले सकते हैं, तो पॉइंट हो गया 0.5 एंड 0.-5, या और ये दोनों ही पॉइंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, देख लो टेंजेंट, तो आपका आंसर भी पहले भी आ चुका था। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू द y एक्सिस होना चाहिए, अब सोचो कि अगर y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड कब आता है, जब dy/dx का जो फंक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर जीरो होता है तब, ठीक है ना। तो अब अगला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसको मिटा देते हैं, पहला तो बन ही गया, अब क्या लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन के लिए, इफ टेंजेंट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब सोचो कि वाई एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो स्लोप तो क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड, दैट इज dy/dx is undefined, that is dy/dx का वैल्यू क्या है, -25x/4y is undefined। अब तुम बताओ कि ये अनडिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, दिस इंप्लाई कह सकते हो कि 4y का वैल्यू अगर जीरो हो गया तब, तो y का वैल्यू जीरो, अब y का वैल्यू जीरो आ गया तो फिर इस y का वैल्यू को उसमें डाल दो, उसके अकॉर्डिंग x दे देगा, तो आप क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू जीरो इन कर्व, तो अब क्या हो जाएगा, y जीरो जब डालेंगे तो x²/4 + 0=1, तो x²/4, तो x इज इक्वल टू +-2, मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू जीरो पे x का दो वैल्यू आया, मतलब x यदि दो रहा तो भी y जीरो ही रहा होगा, और यदि x -2 रहा होगा तो भी y जीरो ही रहा होगा, तो आप देख ही रहे हो 2,0 या फिर -2,0, तो आप देख रहे हो ना कि 2,0 पे जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल है, बस हो गया आंसर। तो दोनों तरीका से आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए, समझ भी लिए कि अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो dy/dx को जीरो से इक्वेट करना चाहिए, और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो dy/dx को अनडिफाइंड से इक्वेट करना चाहिए, जब अनडिफाइंड से इक्वेट करते हैं तो डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करते हैं, और जब dy/dx को जीरो से इक्वेट करते हैं तो न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो x आ जाता है उस x को हम लोग कर्व में पुट कर देते हैं, चाहे y जो आता है उसको कर्व में पुट कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो x दे देगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको प्रिंट आउट कर लीजिए, चलिए जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, 18 को कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x-7/(x-2)x-3 एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस, मतलब कि कोई कभी कर्व अगर ऐसे जा रहा है वो x एक्सिस को मान लो यहाँ पे एक ये x एक्सिस अगर हम बनाएं
तो कर्व हमारा एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको यहाँ एक टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए और एक यहाँ टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, ये यही बोल रहा है, ठीक है ना। मतलब कर्व जहाँ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। तो एक बात तो क्लियर है कि जहाँ एक्स एक्सिस कर्व को कट करेगा वहाँ का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। एक्स ना कुछ कुछ ना कुछ होगा, वाई तो जीरो होगा, वाई तो जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का मतलब क्या, ऊपर और नीचे वाले डिस्टेंस जीरो। तो ये कन्फर्म हो गया कि एट जहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ का वाई जीरो होगा। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट निकालने का कोशिश करें, क्योंकि हमको एक स्लोप चाहिए इस लाइन का, एम चाहिए और पॉइंट्स चाहिए एक्स वन वाई वन, तो एक्स वन और जीरो ही तो पॉइंट होगा ना। तो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर स्लोप डिवाइड बाई डी एक्स से निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट्स इज या पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स वन कॉमा जीरो। दिस इंप्लाई वाई तो जीरो हो गया और यहाँ एक्स वन माइनस सेवन डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस टू इंटू एक्स वन माइनस थ्री। अब कोई भी फंक्शन जीरो कब होता है, जब न्यूमरेटर जीरो होता है, डिनोमिनेटर नहीं। तो यहाँ से केवल आएगा आंसर x माइनस सेवन का वैल्यू जीरो, दिस इंप्लाई x का वैल्यू सेवन। दैट इज केवल वन ही पॉइंट होगा ऐसा जहाँ पे कर्व आपका x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। वो तो हम रफ फिगर बनाए हैं, इसका कर्व थोड़ी बनाए हुए हैं, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो पॉइंट निकल गया, अब हमको स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए आपको u बाई वी फॉर्म यूज करना होगा। तो y इज इक्वल टू, अगर x माइनस सेवन है और नीचे आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, तीन और दो पाँच, और माइनस माइनस प्लस थ्री टू या सिक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स में यू बाई बी फॉर्म कैसे लगता है पहले बता भी देते हैं। यू बाई बी फॉर्म के लिए यू का डिफरेंशिएशन बी एज इट इज़ माइनस बी का डिफरेंशिएशन यू एज इट इज़ नीचे बी का स्क्वायर। तो यू जो होता है वो ऊपर होता है, आपको याद रहना चाहिए। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स माइनस सेवन का डिफरेंशिएशन वन, बी एज इट इज़ मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एज इट इज़। फिर माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन, तो नीचे का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस फाइव, और यू एज इट इज़ मतलब एक्स माइनस सेवन एज इट इज़, और नीचे बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब ये आ गया। अब चलिए डी वाई बाई डी एक्स जो आया उसको लिखते हैं, है ना। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे चाहिए, तो एट एक्स इज इक्वल टू आपका आया हुआ है सेवन पे। तो आप डायरेक्ट एक्स की जगह पे सेवन पुट कर दो, क्योंकि एक्स बराबर सेवन पे ही तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो जहाँ टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है वहाँ का स्लोप के लिए, उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद हम लोग एट एक्स बराबर एक्स वन तो डालेंगे ही ना, तो सेवन डाल दिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सेवन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू सेवन प्लस सिक्स, फिर माइनस यहाँ पे आएगा सेवन डालेंगे तो सेवन टू जा चौदह, चौदह में से पाँच गया डायरेक्ट घटा लो तो नौ आया, और गुना ये सात डालेंगे तो सात माइनस सात जीरो, इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे सेवन डालते हैं तो सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन माइनस सेवन फाइव जा थर्टी फाइव और प्लस सिक्स और इसका होल स्क्वायर। तो ऊपर में आया जो डी वाई बाई डी एक्स है एट एक्स इज इक्वल टू सेवन, वो आया फोर्टी नाइन और माइनस थर्टी फाइव प्लस सिक्स और डिवाइडेड बाई में आया आपका, अब क्या कर लो ना कि उनचास में छः जोड़ लो क्योंकि तो प्लस में है, तो वो हो जाएगा आपका 55, है ना। उनचास एक पचास और पाँच पचपन, तो पैंतीस दस पैंतालीस दस पचपन, यानी कि 20, यानी नीचे हुआ 20, 20 का स्क्वायर। तो ऊपर फिर वही है, ऊपर 20 बचेगा और नीचे 20 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि 1/20 हुआ स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू सेवन। तो स्लोप निकल गया, तो
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इंप्लाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। इस तरह से करके आप क्या कर लोगे, y माइनस वाई वन के जगह पे आप जीरो डालोगे क्योंकि y तो जीरो होगा, और m के जगह पे 1/20 आया हुआ है ना, और x माइनस एक्स वन के जगह पे आप 7 डालोगे। ये एक तरीका हुआ। एक और तरीका बता देते हैं कि अगर स्लोप पता हो ना तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का फटाक से एक तरीका होता है जो कि हम पहले भी बच्चों को क्लास 11th में बताए हुए हैं। स्लोप से ही लाइन लिखो। स्लोप हमारा 1/20 आया है तो स्लोप 1/20 कैसे आएगा, x माइनस 20y लिखोगे तब। अब इसका स्लोप लिखेंगे तो कोफिशियंट ऑफ x इंटू कोफिशियंट ऑफ y इंटू माइनस करोगे तो 1/20 आ जाएगा कि नहीं स्लोप। अब ये ऐसा लाइन है जो हमारा 7.0 को सेटिस्फाइड करेगा, तो 7.0 जब डालोगे तो ये 7 होगा माइनस 0 यानी कि बराबर 7। अब तुम देखना यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब तुम इसको सॉल्व करके निकालोगे ना तो वो आएगा। बेसिकली कर भी देते हैं हम, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 20y, और ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा x माइनस 7। तो आप देख रहे होगे कि x को यदि हम 20y को उधर भेजें और 7 को इधर भेज दें तो आपको नज़र आ गया होगा कि x माइनस 20y, x को वही रहने दिए, 20y को उधर भेजिए और 7 को उधर भेज दिए, इक्वल टू 7 आ रहा है। तो हम क्या बताएं कि स्लोप के हिसाब से सोचो कि स्लोप कैसे आएगा 1/20, उसके अकॉर्डिंग लिख लो और जो पॉइंट से पास कर रहा है उसको सेटिस्फाइड करा के देख लो कितना आ रहा है। ये पॉइंट डालने के बाद जो ना आएगा रिजल्ट उसको लिख दो, डायरेक्ट आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए, है ना। 20y माइनस एक्स प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0 आएगा ही, 20y माइनस एक्स प्लस 7 बिल्कुल, अगर हम सारी क्वांटिटी को RHS में भेज दें। अब एग्जांपल नंबर 19 पे गौर करते हैं।